हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ काबली चने के क्रिस्पी टिक्के। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। पहले मैं यहाँ पे काबली चने ले रही हूँ और मैंने इसे रात में ही भिगो लिया था। आप देख सकते हैं ये फूल चुके हैं और अब हम इसको पीस लेंगे। यहाँ जार में मैं सारे काबली चने डाल रही हूँ और अब हम इसे पीस लेंगे। पीस के मिलते हैं। ओके, ये हमारा काबली चना का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, एक चम्मच जीरा का पेस्ट डाल रही हूँ, जीरा गोलकी का पेस्ट, और यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ और फिर मैं ले रही हूँ धनिया का पत्ती और इसे नमक डालेंगे और फिर मैं ले रही हूँ एक चम्मच नमक और मैं थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली ले रही हूँ, हरे मिर्च। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि सारे मसाले हर तरफ चले जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है बैटर और अब हम इसे तवे में या फ्राइंग पैन में फ्राई कर लेंगे या फिर सेक लेंगे, देखते हैं। गर्म हो चुका और अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल और हम यहाँ पे इसका छोटा छोटा टिकिया बना लेंगे और इसे डाल देंगे। यहाँ पे हम दूसरा रखते हैं, इसी तरह और हम बना लेंगे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हम सबको दूसरे साइड करके देख लेते हैं कि वो अच्छी तरह से पक रहा है या नहीं। हमें इसे और थोड़ी देर पकाना होगा गोल्डन ब्राउन होने तक। वाओ, इसका कलर अच्छा आया है। इसी तरह हम सबका देख लेंगे और इसे हम धीमी आंच पे पका रहे हैं। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं साइड। ये तो नहीं हुआ, अभी और होगा थोड़ा। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये अब हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेयोनीज के साथ सर्व कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मिंट की पत्ती से गार्निश कर रही हूँ और ये हमारा डिश तैयार है गाइस।